हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जनरल मैनेजर क्या होता है। जनरल मैनेजर कंपनी को कंट्रोल करता है और उसके जो मुख्य निर्णय होते हैं वो कंट्रोल में लेता है। जनरल मैनेजर एग्जीक्यूटिव और टीम लीडर को अपने कंट्रोल में रखता है और उनकी रिपोर्टिंग लेता है। जनरल मैनेजर अगर देखने जाते हैं तो सारे डिपार्टमेंट हैंडल करता है, पर उसका ज़्यादातर फोकस कंपनी के PNL कैसे लाना है उसके ऊपर होता है। जनरल मैनेजर का रिपोर्टिंग मैनेजर CEO होता है। CEO कंपनी का जो भी होता है वो बहुत ही शार्प होता है, जो जनरल मैनेजर का रिपोर्टिंग लेता होता है। नई नई पॉलिसीज लाना, बजट लाना और उनके ऊपर अगर कुछ एक्शन लेना है तो उसका काम करना एक जनरल मैनेजर का काम होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जनरल मैनेजर बनने के लिए स्किल क्या चाहिए। पहला है कि बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप जनरल मैनेजर बन रहे हो तो बिजनेस मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिजनेस मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर आप एक काम करते हो, अगर आपने BBA किया है, MBA किया है, तो आपको पूरी नॉलेज दी जाती है कि एक बिजनेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और कैसे होता है। अगर आप डिग्री रखते हो तो वो बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का नॉलेज होना, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का नॉलेज होना इन द सेंस कि कोई होता है कि कोई फर्नीचर में GM होता है, कोई ऑटोमोबाइल में GM होता है या फिर कोई टेक्सटाइल में GM होता है, तो सब एक डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। पर हो सकता है कि कहीं इन फ्यूचर में आपको फील्ड चेंज करनी पड़े। अगर आपके डिफरेंट बिजनेस में नॉलेज होगा, फंक्शन ऑपरेट किए होंगे, तो आपको आगे जाके इश्यू नहीं आएगा। तीसरा है स्ट्रांग लीडरशिप। स्ट्रांग लीडरशिप किसको बोलते हैं कि अपने जो भी टीम रहती है या फिर लीडर्स रहते हैं उसको एक साथ रखना। कभी भी उनके बीच अगर मनभेद हो या फिर कुछ इश्यू हो तो उसको बैठ के सॉल्व करना, तो ही हम आगे जा सकते हैं। अगर आपकी लीडरशिप नहीं होगी आपकी टीम के साथ तो आप आगे नहीं जा सकते। अब आता है कम्युनिकेशन स्किल, जो एक्सीलेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि आप कैसे बात करते हो, किस बिहेवियर से बात करते हो और किसके साथ किस तरीके से बात करना चाहते हो, वो बहुत ही इंटेंशनली होता है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा है तो सामने वाला बंदा आपको बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखना स्टार्ट करेगा और आपको एक अलग ही पर्सनालिटी में लेके जाता है। अब आता है कि ऑर्गेनाइज करना, हाईली ऑर्गेनाइज करना। मतलब कि अगर कोई चीज़ को, हालांकि एक जनरल मैनेजर होता है तो वो कोई एक बंदे या दो बंदी के लिए एक काम नहीं करता है, वो पूरी कंपनी के लिए काम करता है। तो ऑर्गेनाइज करना बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं होगा तो आप सही से काम नहीं कर रहे हो, इतना क्लियर हो सकता है। तो जनरल मैनेजर बनने के लिए ये स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है कि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अगर आपका वर्क एथिक्स अच्छा होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। वर्क एथिक्स इन द सेंस कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना। अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक साथ होती है तो आपके वर्क एथिक्स काम नहीं कर पाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि अगर आपके कोई भी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनली कुछ इशू चल रहा है, तो उनके साथ बैठना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना कि वो क्या है कि उनमें इशू आ रहा है, और उसका सॉल्यूशन लाके उनको एक सही राह दिखाना आपका काम होता है। अब आता है कि अटेंशन लाना। कोई भी चीज़ें चल रही है तो उसके ऊपर पूरे फोकस से काम देखना, काम लेना और उसके सामने आपको रिस्पॉन्स करना। सारी डिटेल जो होती है वो पूरी ही डीप में जाके लेना, तो आप एक काम को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों, ये हो गया कि जनरल मैनेजर बनने के लिए क्या स्किल चाहिए। अब हम जानेंगे कि जनरल मैनेजर बनने के लिए क्या एजुकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जनरल मैनेजर के लिए कोई फिक्स एजुकेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, बट हाँ, ग्रेजुएशन और आपकी मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो बहुत ही अच्छा है और मास्टर डिग्री है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप उस फील्ड के कोई एग्जीक्यूटिव या मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस होना 3 से 4 साल का बहुत ही ज़रूरी है। तब आप जनरल मैनेजर के लेवल पे वो जो भी इनपुट होता है वो लेके ही आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन में आपके मास्टर डिग्री हो तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हो गया कि MCOM, MCA, MBA, MA, MCOM, BCA। BCA आपका एक ग्रेजुएशन हो गया। अगर आपका BCA भी है तो भी एक बार आप अप्लाई कर सकते हो आपके एक्सपीरियंस के साथ।
दोस्तों ये सब कुछ हो गया कि एक्सपीरियंस क्या होता है या फिर एजुकेशन क्या होता है, अब हम जानेंगे सैलरी क्या होती है। जनरल मैनेजर की सैलरी एक कंपनी के ऊपर हालांकि डिपेंड होती है, अगर कौन सी कंपनी में एक जनरल मैनेजर बन रहा है वो भी ज़रूरी होता है। जनरल मैनेजर उसकी PNL पे भी डिसाइडेड होती है कि सैलरी क्या होनी चाहिए। एक जनरल मैनेजर है जो 60 लाख का बिजनेस दे रहा है, एक जनरल मैनेजर है कि जो 20 लाख का बिजनेस दे रहा है, तो हालांकि ज़रूरी है कि 20 लाख की जो सैलरी होगी वो बहुत ही कम होगी, 60 लाख का जो होगा वो उससे ज़्यादा होगी, तो एक उसका बिजनेस भी बहुत इफेक्ट होता है। अगर हम हालांकि देखने जाते हैं तो जनरल मैनेजर की सैलरी 35,000 से लेके 1 लाख तक होती है और उससे आगे भी बढ़ सकती है अगर वो अच्छा टर्नओवर कंपनी को देते हैं तो। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। फ्यूचर में ग्रोथ क्या होना चाहिए जनरल मैनेजर? हर एक कंपनी में जनरल मैनेजर का क्वेश्चन मन में होता ही है कि मैं इस कंपनी को 5 साल दूंगा, 10 साल दूंगा, फिर मेरा ग्रोथ क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जनरल मैनेजर एक अच्छे लेवल का जनरल मैनेजर होता है, उसको एक अच्छी पोस्ट दी जाती है। जनरल मैनेजर तभी बनता है इंसान जब वो हर एक लेवल से काम करके आगे आया होता है। अब जनरल मैनेजर के आगे जाने के लिए आपको एक CEO बनना ज़रूरी है। अब CEO बनने के लिए आपको जनरल मैनेजर की पोस्ट पे 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस काम में एकदम परफेक्ट हो गए हो वो प्रूव करना होता है। जनरल मैनेजर एज एन CEO प्रमोट हो सकता है और उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी हो सकती है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिख सकती है अगर वो उस कंपनी को अपना पूरा टाइम देता है, अपनी पूरी लॉयल्टी देता है और कभी भी उस कंपनी के लिए कुछ गलत नहीं करता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहता है तो वो CEO ज़रूर बन सकता है। तो दोस्तों आज के PPT में हमने जाना कि जनरल मैनेजर क्या होता है, उसकी क्या क्या रोल्स रहते हैं, क्या सैलरी रहती है। अब हम आगे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।